So now we start today lecture with isotopes. So what will be definition of isotopes? Same element, atomic number same, having different atomic mass. Atomic mass क्या होगा? Different. और atomic number क्या होगा? Same होगा. ठीक है. तो examples लेते हैं. Hydrogen. Hydrogen का atomic number 1, 1 और 1. एटॉमिक मास, कुछ हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है. तो ये हम बोलते हैं कि ये एक दूसरे के आइसोटॉप्स है. दैट मींस हम इसको प्रोटियम बोलते हैं. प्रोटियम प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम. तो इस आइसोटॉप्स को, हाइड्रोजन को हम प्रोटियम बोलते हैं. दैट इज नोन एज प्रोटियम. और ये ट्रिटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है. दिस वन इज रेडियो एक्टिव. This one is radioactive. This one is radioactive element. This one is radioactive element. ठीक है. Protium, deuterium and tritium. तो इसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी हम बोलते हैं. अब यहां पर हमारा डिफिनेशन तो हो गया. अब हम देखते हैं नंबर ऑफ एक आइसोटॉप्स में क्या क्या सेम होता है और क्या क्या डिफरेंट होता है. तो हम पहले एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे. एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 1. इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1. और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1. That means isotopes का atomic number same होता है. This one is atomic number. This one is atomic number. Isotopes का atomic number same होता है. Atomic mass के बारे में बात करें. Atomic mass. इसका mass कितना है? 1. इसका mass कितना है? 2. इसका mass कितना है? 3. यानी एटॉमिक नंबर विल बी सेम बट एटॉमिक मास विल बी डिफरेंट. एटॉमिक मास विल बी सेम बट एटॉमिक मास विल बी डिफरेंट. अब हम बात करते हैं प्रोटॉन का. प्रोटॉन, आप प्रोटॉन निकालना जानते हो. तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा. जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा. इससे पहले सिखा चुका हूं प्रोटॉन निकालना. जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा. यानी प्रोटॉन के केस में आइसोटॉप्स के अंदर प्रोटॉन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. आ रहा है या नहीं आ रहा है? सब में प्रोटॉन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. तो प्रोटॉन विल बी सेम. प्रोटॉन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का. तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है. तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा. जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा. जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा. यानी इलेक्ट्रॉन भी क्या आ गया? सेम आ गया. क्योंकि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा. न्यूट्रल है. जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि न्यूट्रल है. अब हम बात करते हैं मास न्यूट्रॉन का. तो मास में से प्रोटॉन को माइनस कर देना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है. तो 1 - 1 = 0, ये न्यूट्रॉन हो गया. इसमें से इसको माइनस कर देना है, ये मास है. मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है. मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है तो ये आ जाएगा न्यूट्रॉन. तो मेरे को ये बताओ कि न्यूट्रॉन इसमें कितना आया? 0. इसमें कितना आया? 1. और इसमें कितना आया? 2.
तो न्यूट्रॉन क्या आया, न्यूट्रॉन विल बी डिफरेंट, न्यूट्रॉन विल बी डिफरेंट। तो यहां से हम देख पा रहे हैं ना क्या सेम आ रहा है, एटॉमिक नंबर सेम आया, एटॉमिक मास डिफरेंट आया, प्रोटॉन सेम आया, इलेक्ट्रॉन सेम आया, न्यूट्रॉन डिफरेंट आया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आइसोटॉप्स में एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास डिफरेंट क्यों है, तो आप इसका रीजन क्या दोगे, इसका रीजन दोगे न्यूट्रॉन इज डिफरेंट, न्यूट्रॉन डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंट इन न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल सब में इक्वल है। यहां ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तीनों में इक्वल है, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग है, न्यूट्रॉन ही डिसाइड करता है मास को। तो मास यहां पर अलग अलग होने का रीजन क्या है, प्रोटॉन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास, मास डिफरेंट क्यों है, तो आप आंसर क्या दोगे, ड्यू टू डिफरेंट इन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, बताओ क्या दोगे, डिफरेंट इन न्यूट्रॉन। तो क्योंकि मास डिफरेंट होने का रीजन क्या है, तो मास को हम जानते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब ध्यान देना यहां पे, यहां पर इसका मास अलग अलग है और मास को डिसाइड कौन करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों में प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन तो सेम है, यानी मास अलग अलग आने का रीजन क्या है, तो ड्यू टू डिफरेंट इन न्यूट्रॉन इट्स मास विल बी डिफरेंट, राइट डाउन कर लेना, ड्यू टू डिफरेंट इन न्यूट्रॉन इट्स मास विल बी डिफरेंट, ड्यू टू डिफरेंट इन न्यूट्रॉन इट्स मास विल बी डिफरेंट, ड्यू टू डिफरेंट इन न्यूट्रॉन इट्स मास विल बी डिफरेंट। तो अभी तक जितना पढ़ाया उसमें से कोई डाउट है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास न्यूट्रॉन आइसोटॉप्स का क्या होता है, प्रोटॉन सेम होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएगा, न्यूट्रॉन्स कैसे लिखा है मैंने, इसमें जितना डेटा दिया है, किसी को कोई डाउट कि सर आपने इलेक्ट्रॉन कैसे लिख दिया, प्रोटॉन कैसे लिख दिया, न्यूट्रॉन कैसे लिख दिया, एटॉमिक मास कैसे लिख दिया, एटॉमिक नंबर कैसे लिख दिया, इसमें कोई लिखा हुआ जो है उसमें कोई डाउट है, नहीं है ना, ओके। अच्छा ये बात बताओ मेरे को, जब आप कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए क्या निकाल, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ता है या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का, जब आप कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो तो किसका रिक्वायरमेंट पड़ता है, किसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो, जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो किसके लिए निकालते हो, इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालते हो कि इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में कितना है, ओके। तो अगर मैं यहां पर इसको हटा दूं, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने के बारे में बात करूं, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बारे में बात करूं, तो विच वन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव, विच आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव, Which isotopes of hydrogen is called radioactive? Tritium, okay. Tritium को हम T से represent करते हैं, deuterium को D से, इसको H से, DTH, direct to home, ये D2H नहीं है, ये DTH है। अब यहां ध्यान देना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन, इसके पास वन इलेक्ट्रॉन, इसके पास वन इलेक्ट्रॉन है ना। अब इलेक्ट्रॉन से हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन से हम निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन से हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते, वन एस वन, वन एस वन, वन एस वन, यही हुआ ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सब में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है।
अब आगे ध्यान देना, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, और है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल। ध्यान देना अब, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम देखते हैं कि इस तीनों का केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा या सेम होगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो देखने का फंडा होगा हमारा, जो कंसेप्ट होगा वो उसका कॉन्फिगरेशन होगा। यानी हम, मुझे बताओ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है, न्यूट्रॉन तो करता नहीं है, करता है क्या? लॉस ऑफ गेन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होते हैं। यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? रिएक्शन करने कौन जाएगा? जैसे NaCl बना तो रिएक्शन करने कौन गया है? सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, और सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, अब दोनों में बॉन्ड बन गया, तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ। यानी एक रिएक्शन कराने के लिए हमें किसका रिक्वायरमेंट पड़ा? इलेक्ट्रॉन्स का। यानी इलेक्ट्रॉन्स ही सब ऐसा चीज है जो उस रिएक्शन को डिसाइड कर रहा है कि हमें रिएक्टिविटी कैसा है। यानी रिएक्शन के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसमें इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं है। लॉस हो गया है तो प्रोटॉन उतना ही रह रहा है, न्यूट्रॉन उतना ही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई चेंजेज नहीं है यहाँ पे, है क्या? यानी एक रिएक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, रिएक्शन करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स सेम है, यानी कॉन्फिगरेशन सेम है, तो हमें उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। यानी कहीं ना कहीं हमें केमिकल प्रॉपर्टीज से हमें इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए, या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से लेना देना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से लेना देना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम है मतलब वो एक ही जैसा है। तो कुल मिला के हमने यहां से ये समझा कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां पर एक चीज हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, अगर लॉस भी करेगा तो सब एक एक लॉस करेगा, करेगा ना, गेन भी करेगा तो एक एक गेन करेगा डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो इलेक्ट्रॉन्स ही डिसाइड करता है, न्यूट्रॉन डिसाइड नहीं करेगा, प्रोटॉन डिसाइड नहीं करेगा। इसीलिए आइसोटॉप्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो सेम होता है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा सेम होगा। पूछोगे क्यों? अगर मैं पूछू क्यों, तो आप बोलोगे तीनों का कॉन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉन सेम है। जब हम डिफरेंट होता तब ना बात करते कि अलग अलग। अब मान लो हमने बोला कि सोडियम का और मैग्नीशियम का, ठीक है, 281 282, अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा क्योंकि ये एक लॉस कर देगा, ये दो लॉस करेगा, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कुल मिला के आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर रहे हैं, तो यहां इलेक्ट्रॉन तो सेम है इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा। तो ये बात बिल्कुल केयर से ध्यान से जानना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कॉन्फिगरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट्स वाई यहां इलेक्ट्रॉन सेम है इसीलिए इन तीनों का रिएक्शन करने का टेंडेंसी, केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों का क्या होगा? सेम होगा, एक जैसा रिएक्शन करेंगे। तो केमिकल, अब रिएक्शन करने का मतलब यह नहीं कि फास्ट और स्लो, फास्ट और स्लो रिएक्शन नहीं, जैसे एयर से रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन, नाइट्रोजन से रिएक्शन, मेटल से रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ नॉन मेटल, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ये रिएक्शन। ये नहीं कि सर ये फास्ट करेगा ये स्लो करेगा, स्लो फास्ट नहीं, रिएक्शन का टाइप। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सबको समझ में आ गया। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, अब सोचो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, जैसे कि किसी का हम मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा, बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा, डेंसिटी देख रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा, सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट देखना है, तो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह देखने के लिए या डेंसिटी देखना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मास अपन वॉल्यूम। तो कुल मिला के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो उसके मास पे डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन मास, डिपेंड अपॉन मास, या कम होगा ज्यादा होगा हम वो डिसाइड नहीं कर रहे हैं, बराबर है क्या, कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है कि कम है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन ये चीज हम जरूर जान रहे हैं कि जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो मास पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड अपॉन मास। और यहां पर हम ये देख रहे हैं कि मास जो है यहां पे अलग अलग है, तो डेंसिटी भी अलग अलग होगा, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी जो है इसका मास ज्यादा हो जाएगा, अब वॉल्यूम तो लगभग बराबर है तो डेंसिटी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो मास पे डिपेंड करता है, और यहाँ मास डिफरेंट है इसीलिए यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। तो ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज को और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम हर आइसोटॉप्स आइसोबार सब में चेक किया करेंगे, ये दो लाइन लिख लेना। अब सेम है कि डिफरेंट है वो हम देख देख के करेंगे। तो यहां इलेक्ट्रॉन सेम है इसलिए सेम है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है इसलिए सेम है, मास अलग अलग है इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है, ड्यू टू डिफरेंट इन मास लिख लेना, ड्यू टू डिफरेंट इन मास, ड्यू टू डिफरेंट इन मास, मास डिफरेंट है, बराबर है, मास क्या है, डिफरेंट है। तो एक आइसोटॉप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है। जब तुम्हें केमिकल प्रॉपर्टीज पूछा जाए तो दिमाग में तुरंत क्या स्ट्राइक होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन क्या है इसका। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे पूछा जाए तो दिमाग में क्या स्ट्राइक होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मास स्ट्राइक होना चाहिए, मास विल बी डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट है न्यूक्लियॉन्स, इतना समझ में आ गया, न्यूक्लियॉन्स, नेक्स्ट है न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का बस सिंपल सा मीनिंग होता है जो न्यूक्लियस में होता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स, यानी जो न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। यानी कुल मिला के हम ये बोल दे कि मास है, यही है ना, मास है, एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास है, यही बोलते हैं ना, सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को हम न्यूक्लियॉन्स भी बोल रहे हैं, तो
तो न्यूक्लियॉन्स और मास एक जैसा है, तो मुझे बताओ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी मास सेम है या डिफरेंट है? तो प्रोटॉन तो सेम है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है, इसीलिए न्यूक्लियॉन्स क्या होगा? डिफरेंट होगा, यानी कुल मिला के ये मास है। तो न्यूक्लियॉन्स जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है या नहीं है, और उसको हम क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है, यस और नो? एटॉमिक मास विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट है इसका, ये रेडियो एक्टिव नहीं होता, रेडियो एक्टिव ये होता है। अब इनका जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज होता है, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव मतलब अल्फा बीटा गामा को क्या करना, नहीं, मास और न्यूक्लियॉन्स में कोई डिफरेंस नहीं है, न्यूक्लियॉन्स को ही मास बोल सकते हैं, क्योंकि विनय सावंत का बोलना है कि क्या हम न्यूक्लियॉन्स को मास बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स मीन्स सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड उसी को तो हम एटॉमिक मास बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास, तो हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि डिफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेज आएगा, लेकिन कुल मिला के वही है, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब यहां जो रेडियो एक्टिव में अल्फा बीटा गामा जनरेट करता है, मतलब अलग अलग इमिशन होता है अल्फा बीटा गामा का, जो कि हम यहाँ थोड़ा स्टडी भी करने वाले हैं अभी तुरंत। अल्फा निकल जाएगा तो क्या होगा, बीटा निकलेगा तो क्या होगा, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज है वो आइसोटॉप्स में, केवल इतना है इसमें नहीं, यहां तो केवल एक ही आइसोटॉप्स है, यहां पर ही आइसोटॉप्स नहीं है, सॉरी, ये रेडियो एक्टिव एक ही है, ये रेडियो एक्टिव नहीं होता, ध्यान रखना, ये नॉन रेडियो एक्टिव है, दिस वन इज नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, और ये नॉन रेडियो एक्टिव है, ठीक है, बोथ आर नॉन रेडियो एक्टिव। अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल बोलू, यूरेनियम का एटॉमिक मास होता है 92, और एक यूरेनियम का मास हो जाएगा 92, और ये मास हो जाएगा 234, और ये 238। अब यहां ध्यान देना, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोटॉप्स। ये तो हमने आपको किस पे समझाया, हाइड्रोजन पे। एक हमने एग्जांपल लिया यूरेनियम का, जिसका मास से एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है, तो बोथ आर आइसोटॉप्स, है या नहीं है? अब यहां पर तीन में से केवल एक रेडियो एक्टिव था, तो यहां पर हमें थोड़ा ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहां पर ये भी रेडियो एक्टिव है, ये भी रेडियो एक्टिव है, और ये भी रेडियो एक्टिव है। अब ऐसा बोला जाता है कि इनका रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कभी अल्फा बीटा गामा निकालेगा तो ये दूसरा एमिशन करेगा, ये अल्फा निकालेगा तो हो सकता है बीटा निकाले, ये गामा निकाले तो हो सकता है ये अल्फा निकाले। इसका मतलब ये दोनों का रेडियो एक्टिव जो प्रॉपर्टीज होगा, यानी इमिशन करने का जो टेंडेंसी होगा अल्फा बीटा गामा, वो अलग अलग होगा, कोई अल्फा करेगा तो कोई बीटा करेगा, ठीक है। तो इसको हम आगे चल के देख लेंगे, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि अल्फा निकलेगा कि बीटा निकलेगा, तो हम आगे चल के यहां देख लेंगे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनका रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी जो होता है दोनों का, वो डिफरेंट होता है। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी जो होगा वो दोनों का क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है।
रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी जो होगा वो डिफरेंट, तो लिख लेना रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट। अब यहां हम समराइज कर रहे हैं कि हम क्या क्या सेम है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, न्यूक्लियॉन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और यहां है रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज। देखो अब वन बाई हम दो कॉलम बनाते हैं, एक कॉलम में हम क्या करते हैं, एक कॉलम में जो सेम है वो लिखते हैं और एक कॉलम में जो डिफरेंट है वो लिखते हैं। तो यहां आइसोटॉप्स है, अगर दो आइसोटॉप्स है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, तो एटॉमिक नंबर होगा सेम होगा ना, एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट, तो यहां एटॉमिक मास जो हो जाएगा वो डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास विल बी डिफरेंट। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या बोलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम, इलेक्ट्रॉन्स सेम में आएगा, ये सेम में है और ये डिफरेंट में है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम। बात रहा प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन विल बी सेम, तो डिफरेंट क्या होगा, न्यूट्रॉन विल बी डिफरेंट, ये होगा सेम, ये होगा सेम और ये होगा डिफरेंट। अब बात रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रॉन्स लेना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा, होगा ना, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स के लिए होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, इसको हम दोनों का सम क्या होगा, डिफरेंट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है, मास पे, और मास ही अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, अलग होगा। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। रिएक्शन करने का टेंडेंसी एक जैसा होगा। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज, अगर दोनों रेडियो एक्टिव है तो अदरवाइज नहीं, अगर रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिव डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो क्या सेम है और क्या डिफरेंट है वो आपको ध्यान में रखना है। तो इन ए आइसोटॉप्स में विच वन इज सेम एंड विच वन इज डिफरेंट, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर एंड एलिमेंट्स आर सेम, हाँ सेम एलिमेंट मतलब एलिमेंट सेम होना। अच्छा मुझे ये बताओ, 1 से लेकर 118 तक एटॉमिक नंबर होता है, कोई ऐसा एलिमेंट होता है क्या जिसका दो दो एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन मास दो एलिमेंट का सेम हो सकता है, जैसे पोटेशियम और कैल्शियम का मास सेम हो जाएगा, लेकिन कभी एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता है, यूनिक नंबर होता है। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज कैसे डिपेंड करेगा,
रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी, जैसे हमने अभी अभी एग्जांपल लिया कि यूरेनियम 234 और यूरेनियम 238, ये 92 है। तो मुझे ये बताओ कि रेडियो एक्टिव में क्या होता है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो ये अल्फा रिलीज करेगा तो ये गामा करेगा, यानी दोनों अलग अलग रेडिएशन इमिट करेंगे। अगर एक अल्फा कर रहा है तो एक बीटा करेगा, अगर एक बीटा करेगा तो एक गामा करेगा, मतलब उनका रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज जो होगा, यानी जो हम जब 12th क्लास में एक रिएक्शन अगर पढ़ेंगे तो अलग अलग रिएक्शन देंगे, मतलब वो उनका इमिशन करने का। अभी ये सोचो कि अभी उसमें से जो इमिट करने का टेंडेंसी है अल्फा बीटा गामा, कोई अल्फा करेगा तो कोई बीटा करेगा, इसीलिए उसको डिफरेंट बोला गया है। और कोई डाउट? भाग्यश्री, अंडरस्टैंड हाउ टू अंडरस्टूड एलिमेंट्स इज रेडियो एक्टिव और नॉट, वो याद करना पड़ेगा आपको। मैंने आपको लिखवाया था कि कौन कौन रेडियो एक्टिव है, वो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं जान पाएंगे, हमें उस चीज को लर्न करना पड़ेगा कि ये रेडियो एक्टिव है। तो हम धीरे धीरे आपको लिखवाते चलेंगे, आप उसको याद करते चलना। मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत लिखवाया भी, वो रेडियो एक्टिव कौन कौन है। तो रेडियो एक्टिव मैं आपको ए ब्लॉक डी ब्लॉक पढ़ाते समय लिखवाया था, सीजियम, सॉरी निजी हालिना के रब से फरियाद, फ्रेंसियम अल्कली मेटल में सबसे नीचे वाला, और अल्कलाइन में सबसे नीचे वाला। अल्कलाइन में बेटा मांगेगा स्कूटर, बाप रोए आरे, रेडियम। इनर्ट गैस में रेडोन, लेंथनाइट सीरीज में पीएम प्राइम मिनिस्टर प्रोमिथियम, और पूरा का पूरा एक्टिनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज में ही यूरेनियम आता है, थोरियम आता है, थोरियम टीएच। तो ये यूरेनियम इज ए रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज, तो ये थोड़ा सा हमें लर्न करके रखना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और है ट्रिटियम हाइड्रोजन H1, जिसको हम टी के नाम से जानते हैं, दिस वन इज ऑल्सो ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो फ्रेंसियम, रेडियम, रेडॉन, प्रोमिथियम, लेंथेनाइट सीरीज में क्यों लीक होता है? प्रोमिथियम पीएम, समझे क्या? और भी होते हैं, इतना ही नहीं है। ओके, सबको समझ में आया?